हेलो डियर स्टूडेंट्स ये आरसी सर्किट का एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं इनिशियली स्विच एस वन इज़ क्लोज एंड एस टू इज कैप्ट ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इनिशियली एस वन क्लोज है और एस टू को आपने ओपन रखा हुआ है फिर ये कहता है देन एस वन इज़ ओपन एंड एस टू इज़ क्लोज इसको एस टू को क्लोज कर दिया है और एस वन को फिर ओपन कर दिया है तो हमें बताना है करंट जस्ट आफ्टर एस टू इज़ क्लोज्ड एंड ऑल्सो फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन बोथ कैपेसटर्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को इनिशियली अगर हम एस वन को क्लोज कर देते हैं तो एस वन को क्लोज करने से वी नो डैट कैपेसर कैन भी रिप्लेस बाय ओपन सर्किट इस सी डी स्टेट में आपको पता है कि सी डी स्टेट में कैपेसर कैन भी रिप्लेस बाय ओपन सर्किट कैपेसर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं तो अगर आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे केस में करंट ज़ीरो होगा और अगर करंट ज़ीरो होगा तो कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी के बराबर होगा C इन वी चार्ज आ जाएगा और इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा दैट विल बी इक्वल टू V तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब हम ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर पर प्लस सी वी और माइनस सी वी चार्ज है और एस टू को क्लोज कर दिया जाता है अब कैपेसिटर पर अगर कोई भी चार्ज है इनिशियली आपको पता है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हम कैपेसिटर जिस पर चार्ज है उसको एक बैटरी से रिप्लेस कर दें और बैटरी का जो वी है वो क्यू बाई सी के बराबर ले लें और जो कैपेसिटर पर चार्ज जीरो है उसको हम सीधे सीधे किससे रिप्लेस कर दें प्लेन वायर से रिप्लेस कर दें क्योंकि उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन को लेते हैं तो हमारे लिए बेसिकली ये कैपेसिटर के अक्रॉस इधर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू तो कितना हो गया क्यू बाई सी वी के बराबर हो गया रेस्टेंस आर लगा हुआ है और इस वाले कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो करंट फ्लो होगा आई करंट ये आई करंट विल बी इक्वल टू तो वी बाई आर हो जाएगा ये हमारे पास सीधे आंसर आ जाएगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कितना करंट फ्लो तो रहा होगा ना आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगेन हमें पता है एट ए सी स्टेट ई सी स्टेट में हम कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इस सी स्टेट में कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से तो बेसिकली रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता तो एस सी स्टेट की जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि दो कैपेसिटर्स सी और सी ये पैरल में हो जाएंगे इस सी स्टेट में रेजिस्टेंस से जो कि कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा हुआ है कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि करंट फ्लो होगा इसका मतलब कैपेसिटर पर चार्ज चेंज हो रहा है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी और चार्ज अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब ई सी स्टेट नहीं आई है तो ए सी स्टेट में रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा ऐसे केस में क्या होना चाहिए बिकॉज दोनों पैरल में है इसलिए दोनों पर चार्ज सेम होना चाहिए दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए तो जो प्लस सी चार्ज था इस पर वो सी वी और सी वी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या माइनस सी वी बाई टू माइनस सी वी बाई टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस केस में करंट जीरो होगा तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता है कि सी डी सेट में अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा तो सी वी बाई टू सी वी बाई टू दोनों पर चार्ज हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओके इन्जॉय योर डे